हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा में निजी स्कूलों को लेकर सरकार की सख्ती के बाद 8500 स्कूलों में अवैध रूप से चल रही नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की क्लास अब नहीं लगेंगी। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निजी स्कूलों पर यह कार्रवाई की है। वहीं इस एक्शन के बाद हरियाणा में निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सवाल ये कि क्या इस कार्रवाई का असर सिर्फ स्कूलों पर ही नजर आएगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो इसका प्रभाव क्या इन हजारों स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों पर नहीं होगा? आखिर क्यों नहीं इस तरफ सरकार ने सोचा? क्या वाकई में यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है? रिपोर्ट देखें। हरियाणा में चल रही निजी स्कूलों की मनमानी और लगातार एडमिशन के नाम पर फीस वसूली के खेल का भंडाफोड़ होने के बाद प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई हुई। प्रदेश में अब नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की क्लासेस प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में नहीं लगेंगी। लगातार मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के करीब 8500 निजी स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी क्लास को तुरंत प्रभाव से बंद कराए जाने के आदेश दिए हैं। वहीं मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों से तुरंत रिपोर्ट भी तलब की। दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजपाल परमार ने मौलिक शिक्षा निदेशालय में 10 जून 2019 को शिकायत दी, जिसमें यह हवाला दिया गया कि हरियाणा स्कूली शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में सिर्फ पहली से बारहवीं तक ही कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है, जबकि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं लगाना किसी भी नियम के तहत नहीं आता। ये जो शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किए हैं, ये हरियाणा के अंदर किसी भी विभाग में कोई ऐसा नियम आदेश नहीं है कि जो मान्यता प्राप्त स्कूल है, जो हरियाणा शिक्षा विभाग से मान्यता लेते हैं, वो एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी की क्लासें लगा सके। लेकिन आमतौर पर देखा गया कि हरियाणा के जो सभी ये स्कूल हैं मान्यता प्राप्त, ये एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी की क्लासें लगाते हैं और जिसमें अभिभावकों से मोटी फीस वसूली जा रही है और इलीगल तरीके से वसूली जा रही है, जो कि पिछले साल महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक आदेश जारी किया था, भी हमारे उनकी तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी कि प्ले स्कूलों को मान्यता लेनी पड़ेगी, लेकिन हरियाणा के अंदर अभी तक किसी स्कूल ने मान्यता नहीं ली है। तो मैंने इसकी कंप्लेंट की थी शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग को कंप्लेंट करने के बाद में कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर मैंने आरटीआई में जवाब मांगा, तो अब उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। जो मान्यता प्राप्त स्कूल हरियाणा के अंदर लगभग 8500 स्कूल हैं, इनमें जो एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी की क्लास लग रही है वो इलीगल है और इन पे जो कार्रवाई करके रिपोर्ट मांगी है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को और महिला निदेशक महिला बाल विकास विभाग से भी रिपोर्ट मांगी है और इसमें ये क्या कार्रवाई करते हैं अभी देखते हैं, अगर वो आदेश की पालना नहीं होती है तो फिर हम माननीय न्यायालय में जाएंगे। दरअसल निजी स्कूलों पर ये कार्रवाई आरटीआई के जरिए हुए खुलासे के बाद हुई, जिसमें निजी स्कूलों में अवैध रूप से लगाई जा रही कक्षाओं को तुरंत बंद कराए जाने की मांग की गई है। इस पर मौलिक शिक्षा निदेशालय ने शुरुआत में तो कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन इस संबंध में मौलिक शिक्षा निदेशालय से आरटीआई के तहत 22 अक्टूबर को जानकारी मांगी, जिसके बाद मौलिक शिक्षा निदेशालय हरकत में आया। दरअसल मान्यता प्राप्त निजी स्कूल नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की कक्षाओं के नाम पर अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रहे हैं, ऐसी जानकारी लगातार विभाग को मिल रही थी। नामी स्कूल बच्चों के एडमिशन के लिए मोटी डोनेशन के साथ एडमिशन फीस ले रहे हैं, अभिभावक भी बिना कुछ सोचे समझे निजी स्कूलों के झांसे में आकर बच्चों के एडमिशन के लिए डोनेशन तक देते हैं, जिसके बाद शुरू होता है हर महीने मोटी फीस वसूली का खेल। हालांकि एनुअल चार्ज के नाम पर भी मोटी रकम ऐठी जाती है, जबकि शिक्षा नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विभाग ने फैसला लिया कि ये मतलब नियमों के विरुद्ध है और उनको नोटिस दे दिया कि उनको बंद करें वो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे वैसे भी बच्चों के विकास के लिए भी एक टाइम की जरूरत है ना जी, तो
जैसे दो तीन साल का ही बच्चा होता है तब से उसको शुरू कर देते हैं, और वो एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा एडमिशन आपका तभी होगा, पहले आप ये करोगे फिर ये करोगे ये करोगे, इस तरीके का। उसके ऊपर क्योंकि वो गैर कानूनी था, नियमों के विरुद्ध था, और इसलिए इसके लिए सरकार ने हमारे विभाग की तरफ से एक नोटिस दे दिया कि ये बंद करें, और उसको बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अब पहली क्लास से जैसे सरकारी में होता है ऐसे ही प्राइवेट में भी इसी प्रकार से। नहीं, प्ले स्कूल के लिए नहीं है, अगर कोई अपने बच्चों को कहीं भेजता है खेलने के लिए भेजता है वो अलग बात है। वहीं स्कूलों पर हुई इस कार्रवाई के बाद निजी स्कूल संचालक इस फैसले से नाराज नजर आए। निजी स्कूल संचालकों का आरोप है कि इस तरह से आदेशों को जारी कर विभाग की तरफ से बहुत ही जल्दबाजी दिखाई गई। उनका कहना है कि इस आदेश के खिलाफ जाकर वो विभाग से अपील करेंगे कि इस पूरे मामले में एक बार फिर से विचार किया जाए और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि इस फैसले का असर सिर्फ स्कूलों पर ही नहीं बल्कि बच्चों के परिजनों पर भी पड़ेगा। अक्सर एडमिशन प्रक्रिया के दौरान निजी स्कूलों द्वारा एडमिशन के नाम पर मोटा पैसा वसूलने की बात सामने आती रही है। कई निजी स्कूल तो ऐसे भी हैं जो विभाग द्वारा निर्धारित बुनियादी ढांचे के मानकों को भी पूरा नहीं करते, लेकिन फीस वसूलते समय ये अभिभावकों पर दबाव बनाते हैं। ऐसे स्कूलों पर भी मनोहर सरकार पूरी तरह से सख्त नजर बनाए हुए है। वहीं स्कूलों पर हुई कार्रवाई का असर क्या सिर्फ स्कूल संचालकों पर होगा या उन बच्चों पर भी जो इन स्कूलों में पढ़ते हैं, ये आने वाले समय में साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से प्राइम टाइम डिबेट के लिए जो सवाल लगातार आपसे पूछ रहे हैं वो दिखा देते हैं, जिसका जवाब आपको देना है इस डिबेट के आखिर में हम दिखाएंगे। सवाल है, क्या निजी स्कूलों पर सरकार के एक्शन के बाद बंद होगा वसूली का खेल? एक बार फिर सवाल सुनिए, आप आखिरी बार पूछ रहे हैं, क्या निजी स्कूलों पर सरकार के एक्शन के बाद बंद होगा वसूली का खेल? अगर आपका जवाब हां है तो आप यस टाइप करें, ना जवाब देने के लिए आप नो टाइप करें, और अपना जवाब 8743010009 पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए जो हम प्राइम टाइम डिबेट के आखिर में आपको दिखाएंगे। तो आइए इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हमारे पैनल की तरफ हम रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शालिनी यादव शिक्षाविद यहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर शालिनी, मैं बहुत स्वागत करती हूं। हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में प्रदीप नरूला को आप देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। नरूला साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ सुरेश रोड है, प्रवक्ता कांग्रेस। सुरेश जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूं। शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद है, तो शुरुआत इन्हीं से। डॉक्टर शालिनी, क्या वाकई में जल्दबाजी में लिया गया फैसला है या वसूली का खेल रोकने के लिए सटीक फैसला? देखिए अनामिका जी, ये फैसला जो था ये काफी टाइम से आना था, क्योंकि स्कूल्स जो हैं, प्राइवेटाइजेशन जब से हुई है एजुकेशन की, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो धीरे धीरे अपना स्कोप किस तरह से बढ़ा सकते हैं वो ये देखते हुए इतने छोटे बच्चों को भी अपने स्कूल्स में ले लेते हैं। जबकि अगर आप देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चरली जहां आप बात करते हैं या जिस तरह का एक बड़ा स्कूल होता है उसमें छोटे बच्चे गुम से जाते हैं, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज जहां, लेकिन आप बात करते हैं, जहां हम दिल्ली में देखते हैं, हम दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने जिस तरह से एजुकेशन को वापस, सरकारी एजुकेशन को दुरुस्त बनाया है और लोग वहां पे वापस जा रहे हैं कई प्राइवेट स्कूल से भी लेके, तो शिक्षा जो है वो हमारे यहाँ पे एक नॉन प्रॉफिटेबल वेंचर माना जाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी आप उसे प्रॉफिट के लिए नहीं यूज कर सकते। तो प्रॉफिट के दायरे की जब आप बात करते हैं तो वो सिर्फ प्री प्राइमरी सेगमेंट के ऊपर नहीं आती है, वो पूरे प्राइवेटाइज्ड जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर एक सवाल खड़ा कर देती है। जहां तक आप बात कह रहे हैं कि ये एकदम से लिया हुआ जो फैसला है, तो जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला, इस बात में बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि ये सोचना चाहिए सरकार को कि जो बच्चे अब उधर हैं स्कूलों में इस वक्त, इस तरह से एकदम से, जिसे कहते हैं नीजर्क रिएक्शन, एकदम से ये रिएक्शन उनका है, एकदम से ये डिसीजन ले लेने में, तो उन बच्चों का क्या होगा, उनका क्या स्टेटस रह गया अब? क्या वो उसी स्कूल में कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? क्योंकि देखिए, ये जो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कहा है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल ही बंद करा दे रहे हैं हम, वो कहीं तो चलेगी, तो वो कहां जाएंगे ये बच्चे? अब यहां पे मां बाप ने इन स्कूलों में भी फीस दी हुई है, अब वो अपने दूसरे स्कूलों में अगर जाएंगे, जो छोटे स्कूल्स हैं उनके पास जाएंगे, प्री प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वहां पे जाएंगे, तो उनको वहां पे भी फीस देनी पड़ेगी।
तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा कर दी है। इस तरह के फैसले सेशंस के शुरू में या एंड में लिए जाते हैं, तब वो एक थॉट आउट स्ट्रैटेजी यानी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत होते हैं। फैसला जो है वो फैसला सही है गलत है कितना है वो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से फैसला इमीडिएटली लिया गया है और कहा गया एकदम से खत्म कर देंगे इसको, तो मेरा मानना है इससे अभिभावकों को परेशानी बहुत होगी, बच्चों को भी होगी। सडनली इतने छोटे बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, प्रदीप नरोड़ा जी आपकी क्या राय है? देखिए नियम, सबसे पहले नियम क्या कहते हैं, जब हम बच्चों के बचपन खोने की बात करते हैं, क्योंकि 3 साल का बच्चा जिसे हम प्री नर्सरी में डालने की बात करते हैं या नर्सरी की बात करते हैं, जब नियम के अनुसार प्री नर्सरी और नर्सरी है ही नहीं। हाँ। ये बात ठीक है कि निजी स्कूलों का बनाया हुआ खेल है, और जिस तरीके से आप बचपन के ऊपर जोर डाल रहे हैं, जिसमें काफी शिक्षाविदों ने डिबेट भी की है, जिसपे बहुत सारी चीजें हैं कि आप हम उस बचपन को खो रहे हैं, जो बचपन वाकई उन बच्चों के खेलने के दिन, उनको भी हम प्री नर्सरी और नर्सरी के नाम पर स्कूल में या शिक्षा या किताबों का बोझ डाल रहे हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे जैसे युग चेंज हुआ है, जैसे जैसे माँ बाप दोनों वर्किंग हो गए, तो उनके पास एक चारा होता है कि जब तक वो वापिस आए तब तक वो उनको प्री नर्सरी क्रैच या किसी में भी डाल दें या नर्सरी स्कूल में डाल दें। थोड़ा सा आगे बढ़ के एलकेजी यूकेजी तक बात है। जी जी, पहले मैं प्री नर्सरी नर्सरी की बात कर लेंगे, क्योंकि फिर ये तो एक रूटीन है कि आप 2.5 साल के बच्चे को अगर भेज देंगे, अगर वो प्री नर्सरी कर भी लेगा तो आपको फिर भी एडमिशन नहीं मिलेगा, तो फिर एलकेजी और वो एक दूसरे साधन भी निकालने पड़ते हैं, क्योंकि पहली में एक नियम के अनुसार, सरकारी स्कूल के नियम के अनुसार कि 5 साल का बच्चा पहली क्लास में होना चाहिए, तो वो 2 साल के गैप को किस तरह से भरते हैं ये लोग, चाहे उसे प्री नर्सरी कह लें या एलकेजी कह लें या प्री एलकेजी, जो भी नाम दें, अगर हमें इस व्यवस्था को दुरुस्त करना है, ये ठीक है कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ जब कड़े कदम उठाएंगे तो कुछ डिमांड होगी, लचीलापन भी आएगा, अगर तो नियम के अनुसार व्यवस्था को कड़ा करना है तो ये फैसले लेने पड़ेंगे। और अगर आप ये कहें कि नहीं इससे सिर्फ क्रिटिसिज्म होगा या फिर इससे होगा, तो फिर व्यवस्थाएं चल रही हैं, आप एजुकेशन में पैसा भी किस व्यवसायीकरण भी हो रहा है, जो चीजें हैं फिर उनके चलने दीजिए। कोई भी कदम, कोई भी चीज ठीक करने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी है, अगर आप पहले कदम पे ही क्रिटिसाइज शुरू कर देंगे तो शायद आगे की चीजें दुरुस्त नहीं हो पाएंगी। तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर कदम उठाया हुआ बहुत अच्छा कदम हो, उसमें कुछ खामियां भी होती हैं, खामियां दुरुस्त भी होती हैं, टाइम टाइम अनुसार कुछ चीजें सामने आती हैं तो आगे दुरुस्त भी होती हैं, लेकिन अगर ये कहें कि हमें कदम उठाना ही नहीं चाहिए, देखिए ये मौसम बिल्कुल ऐसा मौसम है कि सेशन जब मार्च अप्रैल से शुरू होता है तो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो नवंबर दिसंबर से चालू कर दी जाती है स्कूलों द्वारा, और इस वक्त अगर ये रोक नहीं लगी तो फिर मार्च तक तो ये कहा जाएगा कि सारे बच्चों के एडमिशन ही हो गए, हमने तो सारी फीस भी भर दी, बहुत सारी चीजें अभी पर्दे के पीछे हैं। ठीक है आप कदम उठाइए, दुरुस्त करने का टाइम आएगा तो समय भी दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये नियम कहता है कि नर्सरी और प्री नर्सरी नहीं होना चाहिए तो नियम को लागू किया जाना चाहिए, चाहे उसमें सख्ती हो, थोड़े बहुत ऐसे कदम होंगे जो किसी को नागवार भी गुजरेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करना होगा तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। क्या आप सुरेश जी प्रदीप नरोड़ा से सहमत हैं? देखिए ये जल्दबाजी में उठाया गया हरियाणा सरकार का एक गैर जिम्मेदाराना कदम है। गैर जिम्मेदाराना? बिल्कुल। कैसे? क्योंकि जो प्री नर्सरी है, दिस इज कॉल्ड गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, इसमें जो नरोड़ा जी ने भी कहा कि बोझ पड़ता है बच्चों पे, ये बोझ के लिए नहीं है। ज्यादातर 80% नहीं तो कम से कम 50% की बात मान लीजिए, घर का माहौल ऐसा होता है कि बच्चे को वो ना मैनर सिखा सकते, उसके लिए ही बच्चे को आगे भेजा जाता है, और वो वहां पर वॉक करना, चलना फिरना, सोशल इंटरेक्शन दूसरे बच्चों से, जो हमारा नर्सरी का प्राइमरी का सिस्टम है, प्राइमरी सिस्टम में बच्चा काबिल हो उस पढ़ने के,
इसलिए ये नर्सरी एलकेजी और यूकेजी ये सिस्टम लागू किया गया है, इसमें पढ़ाई का बोझ नहीं होता। अगर ऐसा कोई बोझ है, हरियाणा सरकार को उस बोझ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो स्कूल उसको चलाने के लिए अथोराइज्ड नहीं है, हरियाणा सरकार को उन अवैध तरीके से चलने वाले स्कूलों पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हरियाणा सरकार को हम मांग भी करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए, देश के भविष्य को देखते हुए, आज के बच्चे कल के नेता हैं, उनके भविष्य को देखते हुए सबसे पहले अल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए था। आप प्राइमरी में बच्चा जाएगा 5 साल की आयु से, उससे पहले उसको ड्राइंग है बच्चों के लिए जो सिखाया जाता है इन स्कूलों में, सोशल इंटरेक्शन होता है, उठना बैठना चलना, इसके लिए चीजें हैं। और आजकल वर्किंग है, जैसे नरूला जी ने बड़ी सही बात की, दोनों हस्बैंड और वाइफ ज्यादातर फैमिलीज में वर्किंग है, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं और एडजस्टमेंट कर लेंगे। जो समस्या है उस 80% तबके से है, उस आधी आबादी से है जो देहात में रहता है, जिनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। जो जगह जगह पर आंगनबाड़ी केंद्र थे, नर्सरी के जो दूसरे सेंटर थे, उनमें क्या इन्होंने ऐसी प्रावधान कोई किया है? एक किसी ने कोई दरखास्त लिख के दी, उसके ऊपर एक्शन लेके ये बंद ही कर दिया। और इससे पहले, ये पहला स्टेप नहीं है इस विषय में, इससे पहले 1000 तो नहीं 911 स्कूल, एग्जैक्ट नंबर बताता हूं मैं, 750 इन्होंने पहले बंद किए इस 5 साल में, मनोहर लाल खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार जैसे आई, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल, गवर्नमेंट के 750 स्कूल पहले बंद किए, 66 फिर किए और 95 फिर किए तीसरी किस्त में, 1000 स्कूल ये बंद कर चुके हैं। और जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, जो काफी संदेश देते हैं मन की बात में, वो प्रधानमंत्री जी गुजरात में पिछले 3 प्लानों में अनामिका जी 4000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर चुके हैं, सरकारी स्कूलों को। सालनी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि दिल्ली में स्कूलों को सुधारा जा रहा है, लेकिन गुजरात में और हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है वहां बंद किया जा रहा है। ठीक है, मैं देश किस दिशा में जा रहा है ये बड़ा ठीक है। दो और मेहमान हमारे साथ है, आप देख रहे हैं एक खिड़की और बढ़ गई है। हमारे साथ अरविंद भारद्वाज, प्रवक्ता जेजेपी जुड़ गए। अरविंद जी बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका, आऊंगी आपके पास, लेकिन फोन पर हमारे साथ कुलभूषण शर्मा जुड़ गए, तो पहले फोन पर बात कर लेते हैं। कुलभूषण शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं एनआईएसए के, यानी नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के ये प्रदेश अध्यक्ष है। कुलभूषण जी, हरियाणा सरकार का जो आज फैसला आया नर्सरी एलकेजी यूकेजी को लेकर, इस पर प्रतिक्रिया। देखिए, मैं एनआईएसए नीता का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिसमें 65,000 स्कूल सदस्य हैं। लेकिन अभी जो ये फैसला आया हरियाणा सरकार का, नई शिक्षा नीति जो है उसका प्रारूप जो है पेंडिंग है, अनाउंस होनी है, लेकिन हरियाणा सरकार जो है स्कूलों को बंद करने का जो फैसला एक तरफा कर रही है। ठीक है, क्या सिर्फ हरियाणा में ये स्कूलों के लिए फैसला किया जा रहा है, तो पूरे भारत में क्या इसका इस तरह का फैसला, अगर जो भी होना चाहिए वो एक होना चाहिए। दूसरा, 48,500 ऐसे स्कूल हैं जिनमें लाखों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अब सभी अपना यू टाइम पे आता सालों से भर रहे हैं। अब गवर्नमेंट जब प्री प्राइमरी कक्षाएं पूछती थी तो बताई जाती हैं, तो सरकार ने पता नहीं किस तरीके से ये फैसला लिया है, ये विवेकपूर्ण फैसला नहीं होगा। मान लो हरियाणा के स्कूल बंद हो जाते हैं, एग्जाम्पल में, अब यहाँ से जो है 4 साल का बच्चा यूपी में जाता है या नॉर्थ ईस्ट में जाता है, वो पढ़ा हुआ नहीं है तो कैसे उसका वो चलेगा? आइए पूछ एक बार पूछ लेते हैं, ये जो आपने एग्जांपल दिया है ना, इसका जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं अरविंद भारद्वाज से, प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ हैं, सरकार में ये भी बैठे हैं। अरविंद जी, देखिए, हेलो, बोलिए सर, जवाब सुन रही हूँ मैं। हाँ अनामिका जी, जो ये फैसला है सभी को मैंने सुना। देखिए, कोई भी जो बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया जाता है तो जाहिर है कि कुछ लोगों को उस पर आपत्ति होती है, शंकाएं भी होती हैं, परंतु ये लोकतांत्रिक सरकार है, अगर किसी के पास कुछ अच्छे सुझाव हैं और अच्छे ऐसे कोई बदलाव अगर किसी के पास है जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधरती हो, तो हम उन्हें भी सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार हैं। हम कहीं से कोई ऐसी सरकार आज हरियाणा में नहीं है कि जो लोकतांत्रिक तरीका ना अपनाती हो, परंतु हमें ये लगता है कि हरियाणा की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाने चाहिए और उसके लिए कई स्तर पर कदम उठाने होंगे और बड़े ठोस कदम उठाने होंगे, सख्त कदम उठाने होंगे। उसमें ये भी एक कारण है, शिक्षा मंत्री जी ने जो एक कदम उठाया है, उन्होंने यही सोचा है कि जो छोटे जो बच्चे हैं, जो 5 साल से कम जो उम्र के हैं, उन पर अनावश्यक एक लोड, चाहे वो बात सिर्फ नर्सरी केजी की नहीं है, अब तो केजी से भी आगे, प्री केजी से भी आगे यूकेजी, एलकेजी, इवन नर्सरी से भी आगे प्री नर्सरी,
मतलब उन पहले जब हम पढ़ा करते थे तो नर्सरी केजी तक तो थी, परंतु आज देखा जाए तो नर्सरी केजी को भी चार क्लासों में बना दिया है, प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। तो ये बहुत बड़ा बोझ है और हमने देखा है कि लोग दो दो ढाई ढाई साल के बच्चों को स्कूलों में प्री नर्सरी में एडमिशन दिलाते हैं, जबकि पांच साल के बच्चे को फर्स्ट क्लास में दिलाना चाहिए और वहीं से उसकी शुरुआत करनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा कदम रहेगा। ये एक सरकार की ये कोशिश है कि अपने जो छोटे बच्चे हैं अपने प्रदेश के, उनके बचपन को बचाया जा सके, उनके ऊपर अनावश्यक बोझ ना डाला जाए। आप अगर देखेंगे नर्सरी केजी पे एलकेजी यूकेजी के बच्चों को भी, तो उनके भी बड़े भारी भारी बैग हैं जिन्हें वो लेकर जाते हैं, कह रहे हैं ना जो कि इंट्रैक्शन के लिए है, ऐसा नहीं है। आप जाकर देखिए, अगर आप मेरे जो कांग्रेस के मित्र जो बैठे हैं भाई साहब, आप खुद जाकर उनका सिलेबस, उनकी बुक्स देख लीजिए, शायद आधी चीजें ऐसी होंगी जो आपको भी समझ से बाहर होंगी। इतना ओवरलोडेड है, इतना बर्डन है उनके पास, बच्चों के पास, वो घंटों घंटों घर आकर होमवर्क करते हैं, तब जाकर उनका काम पूरा होता है। तो ऐसा इतना ये बहुत ज्यादा है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। बच्चों का जो बचपन है, जो दो साल, तीन साल, चार साल की जो उम्र है, वो खेलने कूदने की। ये आपने कांग्रेस को जवाब दे दिया, कुलभूषण शर्मा का भी जवाब चाहूंगी मैं आपसे। देखिए, कुलभूषण शर्मा जी बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं और बड़े एक्टिव हैं स्कूलों में शिक्षा के सुधार को लेकर। मैंने उनके और भी कई प्रोग्राम भी सुने हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो अगर उनके पास कोई और अच्छे सुझाव हैं तो हम स्वागत करते हैं उनका भी। वो भी हमारे समाज, हमारे प्रदेश के एक हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अगर उनके पास अच्छे सुझाव है तो वो शिक्षा मंत्री जी को लिखकर दें या खुद मुख्यमंत्री जी को या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को दें। हम अगर अच्छे सुझाव मिलेंगे तो उनका भी स्वागत करेंगे। कुलभूषण जी, ये कदम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इतना बड़ा फैसला लिया गया, ये इस तरह का फैसला नहीं है कि रातों रात नोटबंदी कर दी गई या दूसरे फैसले ले लिए गए। ये बच्चों की और शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। क्या जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि हम पूरे राष्ट्र में काम कर रहे हैं, या और लोग जो शिक्षा विद है, क्या उनसे इस पे राय लेनी जरूरी नहीं सरकार समझती है? अगर सरकार राय ले, बैठ कर पहले चिंतन मंथन करे, फिर कोई फैसला होगा और वो पूरे देश में एक रूप में होना चाहिए। ये नहीं कि एक प्रदेश में कुछ, ठीक है, तो इनका ये इन्होंने दोबारा दोहरा दिया है कि पूरे देश में एक रूप में होना चाहिए, नहीं तो यहाँ के बच्चे अगर किसी और स्टेट में जाकर एडमिशन लेते हैं तो वहां जो फर्क पड़ेगा, या एडमिशन मिलेगा भी कि नहीं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये जवाब मैं लूंगी। सर सुरेश, मेरे साथी ने अभी सर सबको सुनिए, अरविंद जी फिर आते हैं एक बार फिर से, कि वो उनका बचपन जो है बच्चों का, उसके लिए इन्होंने ऐसा स्टेप उठाया है। मैं कहता हूँ देश का भविष्य और बच्चे का, उसी बच्चे का जिनके लिए, जिनको इन्होंने वंचित कर दिया एलकेजी प्री नर्सरी के सिस्टम से, उनके भविष्य की, जिंदगी भर के भविष्य की ज्यादा चिंता होनी चाहिए। और उन बच्चों का भविष्य जिनके पास ना खिलौने हैं गांव में खेलने के लिए घर पे, और जिनके पास ना कोई और सिस्टम है, ना उसको कोई कैसे पता लगेगा, प्री सिस्टम में जाके पिछड़ जाएगा। जो प्राइमरी स्कूल में जब वो दाखिला लेगा पांच साल की आयु में, पांच साल में जो वो सीखेगा अनामिका जी, वो बच्चा वही प्राइमरी में दूसरे बच्चों से पीछे हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बचपन के लिए ही ये सिस्टम जरूरी है। और इसमें पढ़ाई का अगर लोड ज्यादा है किसी स्कूल में, वो आपकी जिम्मेवारी है। जब आप सरकार में हो तो आप उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? ठीक है, इनकी बात भी। दूसरी बात, एक बात और मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। मैंने लगभग 911 सरकारी स्कूलों के बंद करने की बात भी बोली थी। इनसे आप उस पर जवाब लीजिए कि वो सरकारी स्कूल क्यों बंद कर दिए। इनको पांच साल वाली बात तो मेरी सुन ली, लेकिन जो 911 स्कूल इस सरकार ने बंद किए हैं उसके ऊपर ये चुप है, इसका भी जवाब मांग लीजिए। ठीक है, अभी यही है, कहां चुप रह के जाएंगे, कहां जवाब ले लेंगे हम। दो और मेहमान है, पहले इनके पास होते हैं। शालिनी अनामिका जी, जो बात कुलभूषण जी कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अभी भी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है। अगर इस तरह का फैसला लिया गया तो इसको देशव्यापी रूप में लेना चाहिए था, सब जगह लेना चाहिए था, क्योंकि जो बात वो कह रहे हैं, जो वो मुद्दा रेज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जब बच्चा यहाँ से, आजकल बहुत पेरेंट्स के ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं और यही एक रीजन है बल्कि जिसकी वजह से ये इतने सारे जो प्री स्कूल्स वगैरह हैं वो मशरूम हुए हैं। ये बात मैं जरूर मानती हूँ कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सुझाव हमें दीजिए, तो ये सुझाव पहले लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि ये जो उम्र होती है बच्चों की, जो बहुत अर्ली एज होती है, उसमें इस तरह का प्रेशर डालने से अमूमन ये देखा गया है कि बच्चों में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पैदा होती है और बच्चों में कई तरह के कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट हो जाते हैं और
इस वक्त बच्चे जो है वो सेंसोरियल लर्निंग यानी अपनी आसपास देख के ऑब्जर्व करके अपनी इंद्रियों से बहुत सीखते हैं, और वो एक चीज है जो रुक जाती है यहाँ पे। जो देखिए जो करने की कोशिश की जा रही है वो कहीं पे एक फिनलैंड का मॉडल लिया जा रहा है, लेकिन उसको अधूरे तरीके से पढ़ा गया है और एक अधपके तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। फिनलैंड जो है इस वक्त वो पूरी दुनिया में उसका जो उसकी जो शिक्षा प्रणाली है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। वहां पे बच्चे 7 साल की उम्र तक एक ट्रेडिशनल फॉर्मल स्कूल में पढ़ते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ते ही नहीं है। उनके लिए एक दूसरे तरीके का स्कूल होता है, इनफॉर्मल स्कूलिंग होती है। फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में वो 7 साल की उम्र के बाद जाते हैं। देखा गया है कि उन बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, मैथ साइंस, इन सबको करने की इंडिपेंडेंट थिंकिंग की जो बात हम करते हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत है पूरे विश्व में। तो फिनलैंड का मॉडल कई देश अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम बंद कर देना का आपने जो अगर ये पहला वाला सिस्टम बंद किया है इसको एक तरीके से इस पर रोक लगनी बहुत जरूरी थी, मैं ये बिल्कुल मानती हूं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव जो है मुझे नहीं लगता कि ये एक बैलेंस तरीके से अभी भी कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव की जरूरत है। दूसरी चीज देखिए जो नरुला जी बात कर रहे थे कि ये सामाजिक एक जरूरत से हो गई थी या एक गैप है जिसे आप कहें कि जहां दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं वहां बच्चों को कौन संभालेगा, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर्स टूट चुके हैं, शहरों से तबादला होता है लोगों का तो अपनी ओरिजिनल फैमिलीज के साथ भी नहीं रहते, बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। इस गैप को फिल करने के लिए ये स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ जहां इतने छोटे बच्चों को डाल दिया गया। तो ये जो डबल पेरेंट्स या वर्किंग पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि ये जो पूरा जो शिक्षा का जो सिस्टम है, ये जो एजुकेशन सिस्टम स्कूल्स का है, ये शुरू ही वर्किंग क्लास से हुआ था पिछली सदी में, जहां पे बच्चों का स्कूल टाइमिंग उसी हिसाब से तय किया गया था जिस वक्त उनके माँ बाप काम करने के लिए जाते थे ताकि उनके पास एक जगह हो। तो अगर ये वाला लॉजिक अगर हम इस पे एक्सटेंड करते हैं तो पूरा स्कूल सिस्टम ही खारिज कर दिया जाएगा एक तरीके से देखें, क्योंकि अगर हम रिसर्च की बात करें जहां तक, तो ये भी देखा जाता है कि एडोलेसेंस जो है यानी 13-14-15 साल के जो बच्चे हैं उनकी जो बॉडी क्लॉक है कि उनकी जो शरीर के जो सोने का और उठने का वक्त होता है वो शिफ्ट हो जाता है। तो वो इसीलिए देखा जाता है कि रात को जागते हैं और सवेरे वो देर से उठते हैं, सवेरे सोना चाहते हैं। तो कई कंट्रीज में तो ये भी हो गया है कि उन्होंने स्कूल सिस्टम जो है ऐसे बच्चों के लिए, इस उम्र के बच्चों के लिए देर से शुरू कराया है स्कूल, तभी उनको पता चल रहा है वहां पे कि फिर अटेंडेंस भी ज्यादा है, बच्चे अटेंशन भी ज्यादा दे पा रहे हैं और परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी हो रही है। तो हमारे स्कूलों में सुधार की तो बहुत जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो सुधार करने की कोशिश है आप इसको अप्रिशिएट करती हैं, लेकिन एक अल्टरनेटिव होना चाहिए ना, एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। दूसरा मुझे लग रहा है कि एकदम से ये एक नीजर कि एकदम सडनली जो आप कह रहे हैं कि दिसंबर तक की बात है, अब यहां लड़ाई क्या शुरू होगी देखिएगा। हाँ। कि स्कूल वाले कहेंगे अब बात शुरू होगी कि जो पैसा आगे का दे चुके हैं माँ बाप, जो अभिभावक पैसा दे चुके हैं उसको वापस लेने की जब बात आएगी तब देखिए आप स्कूल सिस्टम और इनमें दोनों में तकरार शुरू होगी कि कैसे रिटर्न। तो ये थोड़ा जल्दबाजी में है, सरकार डिक्लेयर कर सकती थी कि इस अगले सेशन से कुछ। उम्मीद करते हैं इनको भी आपने सुना, हमारे साथ प्रदीप नरूला है, वो हालांकि तारीफ कर रहे हैं इस डिसीजन की। देखिए अनामिका, कुछ चीजें अभी मैंने सबकी बात सुनी, कुछ चीजें सामने आई। हमारे सुरेश रोड जी कह रहे थे कि बच्चा वहां जाके कुछ चीजें सीखता है। देखिए पता नहीं अब परंपराएं बदल गई हैं या संस्कार बदल गए हैं, पहली जो पाठशाला होती है वो परिवार होता था बच्चों का। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से मुझे नहीं मालूम रोड साहब या शालिनी जी ये इस प्रोसेस से गुजरे हैं कि उन्होंने प्री नर्सरी या नर्सरी पढ़ी होगी, लेकिन मैं पहली क्लास से पढ़ा हूँ। मैंने ना प्री नर्सरी पढ़ी, को था ही नहीं उसमें, नहीं होती थी। हाँ। नर्सरी होती थी। और आज शालिनी जी बड़े बेबाक तरीके से उस टॉपिक पे बोल रही हैं, मुझे नहीं लगता कोई नॉलेज में कमी आ गई हो इनकी, उन्होंने प्री नर्सरी ना पढ़ी हो। जैसा रोड साहब कह रहे थे कि नॉलेज में कमी आ जाएगी, बिल्कुल गलत बात है। बच्चा एक कच्चे घड़े की तरह है, आप उसे जैसे ढालोगे वैसे ढलेगा। जिस तरह से कुमार थापी मारता है, आप उसे 2 साल की उम्र में थापी मारने लगोगे तो वो 2 साल की उम्र में ही उस बोझ के नीचे आ जाएगा। शायद हमें दिखता है सामने कि हम अपने बच्चों का बचपन खो रहे हैं। कोई ना कोई चेंज जरूर आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप आमूल चूल सब कुछ बंद कर दीजिए,
नहीं, मैं इसका हामी नहीं हूं, सिस्टम में कुछ सुधार होना चाहिए। बच्चों का बचपन खोता जा रहा है। उस आज ये देखिए, सिर्फ हरियाणा को छोड़ दीजिए, क्योंकि हरियाणा में एक एरिया ऐसा है जहां बहुत कठोर मिट्टी है, लोगों में आज भी खाने पिले घी खिलाने का वो प्रचलन है, तो वहां हम खिलाड़ी निकाल रहे हैं। नहीं तो शहरों में आप देख लीजिए कहां तो खिलाड़ी निकल रहे हैं, पहली क्लास से ही प्रतिस्पर्धा में डाल दिया जाता है, उसके 90% आए हैं, तेरे 95 में क्यों नहीं आए, तू 85 पे कैसे रह गया। इतना बोझ है बच्चों के ऊपर, कम से कम वो 2-4 साल तो बचपन जीने दो उन्हें, जरूर कोई परिवर्तन होना चाहिए उसकी। ठीक है, सबके सुझाव अच्छे हैं कि अचानक ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूं कि अचानक ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन धीरे 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 एक सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। और मेरे ख्याल से बचपन खो रहा है, सरकार ने कदम उठाया है, उन्हें झंझोड़ कर थोड़ी इसमें परिवर्तन कराने की जरूरत है, जहां जहां सुझाव देने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हो सकता है, सभी फैसले एकदम सही नहीं होते, संभावना इसमें भी अपार है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। अरविंद जी, एक सुरेश रोड को यहाँ पर छोड़कर सभी कह रहे हैं कि तारीफ करनी चाहिए सरकार के इस कदम की, लेकिन लेकिन जो लेकिन लग गया है, उस लेकिन पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि थोड़ा और वक्त लेते आप, सोचते कोई अल्टरनेटिव रखते। अनामिका जी देखिए, कभी ना कभी तो ये फैसले लेने ही होंगे। कौन से वक्त का इंतजार हम करें, मतलब कि ऐसा कौन सा वक्त आएगा। नहीं, जैसे कुलभूषण जैसे कह रहे हैं कि आपने हरियाणा के लिए फैसला ले लिया, बाकी के स्टेट में आके बच्चे फिर कैसे एडमिशन लेंगे, इस सवाल के जवाब जैसे शालिनी ने यहाँ पर कहा, डॉक्टर शालिनी ये जो बोल रही है यहाँ पर कि जिन बच्चों ने फी भर दिया ऑलरेडी, अब स्कूल से जब फी वापस लेने की कोशिश होगी अभिभावकों की तरफ से, तो वहां तकरार। इस सवाल का जवाब, जो बोझ कम करने की बात सुरेश रोड हालांकि कह रहे हैं कि ये जो है वो प्रदीप रोड कह रहे हैं बचपन खो रहा है, वो मिलना चाहिए। सुरेश रोड को लगता है कि वो स्कूल जाएंगे प्री नर्सरी, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, तो ही वो कुछ सीख पाएंगे, वो घर पे नहीं, उन्हें तो पहली पाठशाला दिख ही नहीं रही है सर। तो ये चार अलग अलग चीजें आई हैं। हाँ, एक चीज और ऐड कर रही है शालिनी, एक मिनट से जी। देखिए, दूसरी चीज ये है, ये जो बच्चे हैं अब इनकी जो वर्किंग पेरेंट्स है, वर्किंग मदर है, अब ये इन बच्चों को किसके पास रख के जाएंगी। तो नॉर्मली जिस मॉडल को हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वेस्टर्न मॉडल को, वहां पे इन बच्चों के लिए नर्सरीज होती हैं। इतने छोटे बच्चों के लिए एक अल्टरनेट अरेंजमेंट, जैसे आप क्रेश कह लीजिए या नर्सरीज कह लीजिए, एक उम्र तक होती है। सरकार को वो प्रोविजन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं शालिनी जी, केंद्र सरकार का वो प्रोविजन है आंगनबाड़ी, लेकिन वो इतनी सशक्त नहीं है वो प्रोविजन। हाँ। उसे सशक्त, ठीक है सर, हम आ जाएंगे उस पर भी आ जाएंगे। अरविंद जी, बेहतर कदम है, लेकिन बेहतरी के साथ आए तो और ज्यादा वेलकम करने में मजा आएगा, आप समझ रहे हैं ना। अनामिका जी, पहली बात जो मैडम अभी कह रही थी कि जो वो पेरेंट, जो वर्किंग पेरेंट है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। देखिए, वो जब एडमिशन 2.5 साल पे जब एडमिशन करा रहे हैं, उससे पहले भी उन्होंने ही बच्चे को संभाला है, वो चाहे वो घर में बड़े बुजुर्गों के साथ रहे हो या किसी क्रच में रहे हो, ये एक अलग विषय है। आप सिर्फ इसके आधार पर नहीं कह सकते, क्योंकि स्कूल जो इनकी जो क्लासेस हैं, जैसे नर्सरी है, केजी है, इनकी छुट्टियां जो होती हैं वो लगभग 12:30-1 बजे हो जाती है, उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं। वो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट उनके लिए करते हैं, तो ये कर सकते हैं। ये कोई ऐसे वजह नहीं है कि जिसकी वजह से इतने बड़े कदम को हम ना उठाए। दूसरी बात तो ये वजह है कि दूसरे स्टेटों में लागू हो गया नहीं होगा, पूरे देश में होना चाहिए। देखिए, पूरे देश में एक जैसी शिक्षा नीति केंद्र की सरकार लाने जा रही है, उस नई शिक्षा नीति पर काम हो रहा है, उसी में हजारों सुझाव लिए गए जनता से, पूरे देश से, और उनमें से बहुत से सुझाव यही थे कि जो ये छोटी छोटी क्लासेस में, चाहे वो प्री नर्सरी हो, नर्सरी हो, केजी हो, एलकेजी, यूकेजी, इनका जो समय है ये बच्चों के लिए वेस्टेज है, बर्बाद है। बच्चों का जो बचपन है वो खत्म हो रहा है। 2.5 साल का बच्चा बैग लेकर चलता है, होमवर्क करता है घर आके, ना उसे खेलने का टाइम है, ना अपने पेरेंट्स के साथ मिल सकता है, सुबह जल्दी उसे उठना है, तैयार होना है। ये सुझाव था लोगों का। और रही बात ये कि दूसरे स्टेटों में लागू होगा, देखिए हरियाणा प्रदेश की सरकार ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई ट्रांसफर की, पहले हरियाणा में हुआ, उसके बाद दूसरे स्टेट ने उसे लागू किया, क्वेश्चन ये किया
फिर वो बार बार बोलेंगे कि मेरे जवाब नहीं दिया कि 900 स्कूल बंद हुए। देखिए उन 900 स्कूल पे जवाब भारतीय जनता पार्टी दे सकती है क्योंकि पिछली सरकार में वो हुआ था, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं। आज की सरकार में जो एक महीने डेढ़ महीने पहले बनी है उसमें जननायक जनता पार्टी शामिल है, उससे लेकर अगर कोई सवाल आपको पूछना है तो भाई साहब मैं हाजिर हूं, मैं उसके लिए जवाब। बहुत ही अच्छी बात, पिछली सरकार में हम शामिल नहीं थे, उसके लिए हम अधिकृत नहीं है, मैं अधिकृत नहीं। बीजेपी वाले जवाब देंगे, ठीक है सर, वो बीजेपी जवाब देंगे। ठीक है, आपके लिए और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। और क्या कुलभूषण शर्मा अपने सवाल का जवाब पा चुके हैं कि यहाँ अगर ये नियम लागू हो गया तो बाकी स्टेट में जब यहाँ के बच्चे एडमिशन के लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो पाठशाला पर मनोहर फैसला आया, लेकिन कईयों को यह फैसला मनोहर नहीं लगा, किसी को मनोहर लगा तो कुछ खामियों के साथ। इसी पर हम बात कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शालिनी, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रही थी बीच में। जी देखिए, वहां अरविंद जी ये कह रहे थे कि ये एनईपी के अकॉर्डिंग है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो मैं बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जहां पे पहले शिक्षा का अधिकार 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को बोला गया था, दैट इज द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वो अधिकार बनके बढ़ा के 18 साल की उम्र तक करने की बात हुई है और 3 साल से शुरू किया है। तो उसका फोकस जो उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, वो खुद बात कर रही है शिक्षा प्रणाली जो कि 3 साल के बच्चे से शुरू कर रही है। तो ये कहना कि ये इतने बच्चों को एजुकेशनल सिस्टम से बिल्कुल ही बाहर रखने की बात हो रही है एनईपी के, मेरा मानना है ये गलत समझ है एनईपी के बारे में उनकी, ऐसा नहीं है। दूसरा मेरा ये मानना है कि जब वो ये इसका ना इम्पैक्ट नहीं समझ रहे हैं ये लोग कि क्या होगा, कि ये जो पॉपुलेशन है जिसमें आप देखिए इसका जो सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ना वो महिलाओं पे पड़ेगा, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन होंगी, आपका कहना कि 12 बजे के बाद उनको कौन संभालता है, तो ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग कि किस तरह के क्राइम्स और कितनी मुश्किलें होती हैं छोटे बच्चे को घर पे किसी और के साथ। अगर आप हेल्प की बात कर रहे हैं तो बहुत फैमिलीज ऐसी हैं जो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती हैं, हाउस हेल्प की अगर आप बात कर रहे हैं कि घर में आके कोई संभाल ले, पहली चीज ये। दूसरी चीज, जिस तरह से संभालते हैं और जिस तरह के खतरे हैं इनमें, कि जिस तरह से देखा गया है कि कई बार वो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करके चले जाते हैं वो ही उन बच्चों के साथ काफी दुराचार करते हैं, तो ये एक सवाल यहाँ पे आता है। तीसरी चीज, जब महिलाएं हैं अब उनको वो वर्किंग वुमन कैसे रहेंगी, क्योंकि ये जो प्रेशर आएगा ना घर पे रहने का वो महिलाओं के ऊपर आएगा। अब आप ऑलरेडी बात करते हैं कि जहां हम वर्कफोर्स की बात करते हैं, एक बार औरतें जब छुट्टी लेती हैं किसी चीज से, किसी काम से, अपनी मैटरनिटी लीव लेती हैं, तो उनका वापस ऑफिस में जाना भी मुश्किल हो जाता है, वो 2.5 साल का गैप या जो दिखाना पड़ता है वो मुश्किल होता है। अब आप 5 साल के गैप की बात कर रहे हैं, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इनसेंसिटिव आर्ग्यूमेंट है। आपको ये एक जो नर्सरीज हम कह रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड नर्सरीज, यानी सरकार के द्वारा बनाई गई इन बच्चों को देखने के लिए, वो बहुत जरूरी है। क्या आपका कहना यह है कि सरकार की 5 साल से कम के बच्चे के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, कि सिर्फ 5 साल के बाद अगर आपका बच्चा आ रहा है स्कूल में तो बस उनकी जिम्मेदारी है, उनके बारे में स्टेट देखेगी, 5 साल से पहले आपका बच्चा जो है वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। एक एक करके सबका जवाब अभी लेते हैं, ठीक है सर, पहले जवाब लेते चलते हैं इस बार। ठीक, अरविंद जी, उसके लिए सरकार ने आंगनवाड़ी जो बनाई हुई है वो यही उसका मकसद है कि स्कूल से पहले, पहली से पहले, जैसे सरकारी स्कूलों में फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट होते हैं स्कूल, उससे पहले बच्चे कहाँ जाएं, तो वो आंगनवाड़ी का जो प्रोविजन है वो इसी के लिए है। अगली बात ये आएगी यहाँ पर कि आंगनवाड़ियों में वो स्थिति नहीं है, उतनी अच्छी स्थिति नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, तो उस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है कि हम उनको, उनके जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, उसे कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे अच्छा किया जाए, ताकि लोग वहाँ बड़े अच्छे से अपने बच्चों को भेज सकें और एक एक मतलब एक अच्छा टाइम बच्चे वहाँ बिता सकें। अरविंद जी, ठीक है अरविंद जी, प्रयास हमारी सरकार कर रही है। अरविंद जी, आपको नहीं लगता कि ये पहले कदम होना चाहिए था? ये बात आप ये कह रहे हैं कि पेशेंट का ऑपरेशन हम कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी लाइफ सेविंग मशीन हम बाद में लेके आएंगे। पैरेलल आपकी आपकी सरकार की तरफ से अरविंद जी, कहाँ इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आया है और कहाँ कोई बात की गई है कि आप इस तरह से इनको सुदृढ़ करेंगे, और शहरों में कहाँ आंगनबाड़ियां हैं?
सुनिए सुनिए, ये जो सरकार अब जो काम कर रही है ये एक महीने पहले बनी है। अब इसके बाद हम अगर इसको जो ये ऑर्डर आज जारी हुए हैं, इन ऑर्डर को जारी करने में अगर और डिले करते तो दिक्कत आ जाती, क्योंकि फिर नर्सरी के एडमिशन्स हो जाते हैं लगभग दिसंबर के आसपास। इसीलिए हमने इसे कर दिया, पैरेलली वो काम भी चल रहा है। इसका जो असर है वो लगभग मार्च अप्रैल से देखने में आएगा, जब नए एडमिशन होंगे। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं ना, आगे आगे दो तीन महीने के बाद पूरी तरह होगा। अरविंद जी, बच्चे आगे नहीं जाएंगे तब तक हम उस व्यवस्था को भी ठीक कर लेंगे। अरविंद जी, ये प्रयास हमारी सरकार का है। ठीक है अरविंद जी, क्या ये नियम सीबीएसई पैटर्न और आईसीएसई पैटर्न के स्कूलों पर भी है? जी, ये तो सभी के लिए होगा। हरियाणा में जो भी स्कूल चल रहे हैं ये सभी के लिए है, क्योंकि चाहे कोई सीबीएसई का हो या हरियाणा बोर्ड का हो, उनकी जो रिकॉग्निशन है वो पहले हरियाणा बोर्ड से होती है, उसके बाद वो एफिलिएशन सीबीएसई से लेते हैं। तो हरियाणा बोर्ड से ही उनका रिकॉग्निशन है, तो ये सभी के लिए लागू होगा जो हरियाणा में चल रहे हैं। इसमें अरविंद जी देखिए, दो चीज हैं जो आप कह रहे हैं ये मार्च अप्रैल से लागू होगी, लेकिन जो चीज जनता में कही जा रही है या जो हमको समझ है वो आपने कहा है विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी अगले अभी से। दूसरी चीज देखिए, मैं ये कहती हूँ, देखिए ये कदम आपका जो है वो कदम बहुत सराहनीय है। मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूं कि ये होना चाहिए, इन बच्चों के ऊपर प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन मैं इसको सिर्फ जिस तरह से आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर एक सवाल कर रही हूं। दूसरी चीज मैं कह रही हूं कि ये लीगैलिटी के दायरे में आता ही नहीं था, ये इसका प्रोविजन था ही नहीं, तो ये अगर ये खत्म किया गया है या इस एक गलती सुधारी गई है जिसे मैं कहूं, तो वो बहुत अच्छा कदम है। लेकिन इसके साथ एक गलती आगे और है जो बार बार हो रही है, वो ये है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एजुकेशन हमारे देश में प्रॉफिट के लिए हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे ही आप प्रॉफिट की बात करते हैं कई लोग कहते हैं कि क्योंकि इतना इन्वेस्ट करते हैं इसलिए वापस लेंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि जब जहां हमने देखा है कि प्रॉफिट जहां बढ़ने शुरू होते हैं स्कूल्स के, वहां पे सरकारी जो स्कूल्स हैं उनको खराब कर दिया जाता है। वसूली के खेल की तरफ इशारा कर रही है। जी बिल्कुल, तो अब आगे क्या आपकी सरकार प्राइवेट स्कूल्स जो मनमानी फीस लेते हैं उसके ऊपर कोई रोक लगाएंगे? दूसरी चीज, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, एक बार आपका बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो दरवाजे आपके ऊपर बंद कर दिए चले जाते हैं। इस सवाल का जवाब चाहेंगे सर जो टीवी स्क्रीन के उस पर अभिभावक बैठे, मैं आऊंगी सर, आऊंगी, एक जवाब ले लेते पहले। अरविंद जी बिल्कुल, मैडम जो आपने बात की है कि जिस तरह से बहुत महंगी फीस जो स्कूलों द्वारा ली जाती है, स्पेशली खास तौर पर बात करें जो बड़े स्कूल है, जो नामी जो स्कूल है, डोनेशन के नाम पर मोटी रकम, ब्रांडेड जो स्कूल हैं, जो बड़े ब्रांड हैं, जिनकी चेन आप है, कुछ बीच में ऐड करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बात ध्यान रखिएगा अरविंद जी, एक बात ध्यान रखिएगा कि सरकारी एजेंसियां उन्हीं स्कूलों को हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में साइट बेचती है, ये ध्यान रखिएगा। आप बोलिए, ये सोच समझ के बोलिएगा। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, कि सारे सरकमस्टांसेस को ध्यान रखते हुए कि कितना खर्चा है, क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि हमारा खर्चा है, हम सैलरीज गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग देते हैं, और जिस तरह से सर बता रहे नरुला जी की वो जो जो लैंड है जो परचेज करते हैं वो किस रेट पे करते हैं, उन सब को मॉनिटर करके हमारी सरकार इस पे काम कर रही है कि उसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे, क्योंकि स्कूल जो है वो एक सोसाइटी रन करती है और नो प्रॉफिट नो लॉस पे रन करती है, तो कैसे उसे इस पे इंप्लीमेंट कराया जाए इस पे भी सरकार काम कर रही है। और अगर आप जेजेपी ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार क्या काम कर रही है मैं ये जानने के लिए लौटूंगी। कुलभूषण जी आप फोन पर हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पर अपना पक्ष रखना चाहूंगा। हाँ, जैसे ये कह रहे हैं कि स्कूल फॉर प्रॉफिट नहीं होने चाहिए, 200 करोड़ से ऊपर का रिजर्व प्राइस रखा जाता है तो वो प्रॉफिट कौन लेके जाता है? अभी तो बच्चों को इतनी महंगी फीस जो है उस पर अदा होती है। गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात बताऊं, हम सिर्फ प्राइवेट स्कूल को जो है टारगेट कर देते हैं, 41% गवर्नमेंट स्कूल वो है जिनमें 50 से कम बच्चे हैं, और सिर्फ टीचर सैलरी के एक्सपेंसेस 4500 रुपए पर मंथ से ज्यादा है। और कैग की ये रिपोर्ट है कि ओनली यूपी में 1,11,00,000 बच्चे यदि 10,000 रुपए महंगा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। अब मुझे बताएं कौन सा प्राइवेट स्कूल है जो 10,000 के ऊपर
96.4% प्राइवेट स्कूल 2500 रुपए प्रति माह से कम पर फीस में पढ़ा रहे हैं। और जैसे अभी शालिनी जी ने बताया कि ये फिनलैंड मॉडल को जो है वो करना चाह रहे हैं, तो फिनलैंड की आबादी कितनी है यूपी के एक शहर के जितनी? और हिंदुस्तान में एजुकेशन पॉलिसी ने बताया कि 1,90,000 स्कूल सिंगल टीचर स्कूल है। आप किसी के मॉडल को देख के अपने देश को देखिए, आपके देश की प्रॉब्लम आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, अभी सुरेश जी को और सुन लीजिए। जब नीति बनती कहिए वो सारी सर्कमस्टांसेस को देखिए, अगर ये नीति बनती है 1,00,000 महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी, जो प्लेवे में और जो नर्सरी स्कूल में काम करती है वो सारी फीमेल्स हैं, 1,00,000 फीमेल्स घर में बैठ जाएंगी अनएम्प्लॉयड होकर। और जो शालिनी जी ने भी और बात बताई है कि बच्चे जो अगर घर पे बैठेंगे तो क्या करेंगे, मोबाइल देखेंगे टीवी देखेंगे, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, आज न्यूक्लियर फैमिली है, वहाँ दादा दादी होते थे जो बच्चों को संभाल लेते थे और वैल्यूज भी डालते थे। ये बहुत सारे फैक्टर जो है इस पे सोचने की जरूरत है, ऐसे फैसले ले लेना, और कल को ये फैसला गलत साबित हुआ तो हरियाणा सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाएगी और पब्लिक के प्रति जवाबदेह होगी कि ये गलती हमारे। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी। सुरेश जी काफी देर से बोलना चाह रहे, सुरेश को। जेजेपी के साथी ने एक बात बोली थी कि ट्रांसफर की ट्रांसपेरेंट पॉलिसी सरकार ने लागू की है। इस सरकार के बारे में उन्होंने बताया, पिछली 5 साल में वो भागीदार नहीं थे सरकार के साथ, और उन्होंने उसमें एक तरह से चुप्पी से ही मेरी सहमति प्रकट कर दी कि सरकारी स्कूलों में बोलना नहीं चाहते। ये काफी उन्होंने अच्छी बात की, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अगर इन्होंने ट्रांसफर की पॉलिसी लागू की है, फिर 15 दिन के लिए ट्रांसफर की पावर हर मिनिस्टर को क्यों दी है? क्या इसमें एजुकेशन मिनिस्टर शामिल नहीं है जिसमें दी गई है? एक बार आप पॉलिसी की बात करते हो, उधर आप 15 दिन के लिए छूट दे रहे हैं, ये इस पॉलिसी की पोल खुलती है। दूसरी बात, शिक्षा विभाग नहीं है, यही मैं पूछना चाहता हूँ मेरे साथी नहीं है। दूसरी बात, जैसे एयरपोर्ट बंद किया, रेलवे बंद की, जेएनयू बंद किया, गवर्नमेंट के स्कूल बंद किए, उसी तर्ज पे एलकेजी जो बंद किया है या नर्सरी जो बंद किया है, ये सिस्टम जो है, मैं ये बार बार कह रहा कि बच्चों के ऊपर लोड है, या अवैध जगह पे अगर स्कूल चल रहे हैं, मैं कहता हूँ फीस बंद की जाए, कम की जाए, वहां पर जो जरूरी है इतनी रखी जाए मिनिमम, बच्चों का लोड कम किया जाए। अगर कोई अवैध जगह पे चल रहा है जो ऑथोराइज नहीं है स्कूल, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और दूसरे, या सरकार के स्टेप के तौर पे इसको बोल रहे हैं, मेरे को यह लगता है कि ये तो एक विभाग का फैसला, जून में किसी ने एप्लीकेशन या कंप्लेंट डाली और मौलिक शिक्षा निदेशालय ने इस पर कार्रवाई की। क्या मेरे साथी बता सकते हैं ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर या फिर एजुकेशन मिनिस्टर की गई कार्रवाई है? एक मौलिक शिक्षा निदेशालय का रूटीन के फैसले को ऐसे कैस कर रहे हैं जैसे पहला स्टेप इन्होंने पहली कलम से जो कहते थे ऐसा पहाड़ तोड़ दिया, कह रहे ये फैसले तो कभी ना कभी ले जाने लेने पड़ते भविष्य में। फैसले को क्लियर कर रही है सरकार, फैसला ले लिया आप बच्चों को उनके मौलिक शिक्षा अधिकार से वंचित करने जा रहे हो। आप बजाय कि अवैध की जगह वैध स्कूल की उनको प्राथमिकता से फैसिलिटी प्रोवाइड करते, उसकी बजाय आप देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो और उसको आप कैस करने की कोशिश कर रहे हो। जवाब ले लेते हैं सर, कुलभूषण जी और सुरेश जी को जवाब, अरविंद जी। कुलभूषण जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो उन्होंने शायद मेरी बात को अच्छे से नहीं समझा। मैं जब प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा था तो मैंने बार बार जिक्र किया था कि जो ब्रांडेड जो बड़े स्कूल हैं, जो चेन्स जिनकी हैं या जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, उनकी बात कर रहा, बाकी स्कूल नहीं है, बाकी स्कूलों में नहीं है। मैं भी जानता हूं उनके फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, वहां डोनेशन और ऐसे कुछ नहीं है, पर जो बड़े स्कूल हैं, नामी गिरामी जो स्कूल है, उनमें डोनेशन और फीस बहुत ज्यादा है, जिन्हें लेकर लोग आवाज उठाते रहते हैं। तो उनको लेकर सरकार जरूर ये प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा बैलेंस किया जाए ताकि पेरेंट्स के लिए दिक्कत ना आए उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना। दूसरी बात, कांग्रेस के जो मेरे साथी जो मेरे अभी बहुत अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे सुझाव दे रहे हैं, हमें समझ ये नहीं आता कि आज कांग्रेस के पास सब कुछ है, सारे सुझाव हैं आज, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं। जब वो सरकार में थे, अभी हाल ही में 10 साल सरकार चला के गए हैं, शिक्षा नीति को लेकर एक अच्छा काम इन्होंने किया हो तो बता दें, एक भी अच्छा काम, कोई भी एक अच्छा काम नहीं कर पाया अपने 10 सालों में। कोई ना बोले तो इसमें कांग्रेस की गलती नहीं है, हमने दो करने के प्राइमरी स्कूल से लेकर जेएनयू तक खड़े किए हैं, कोई ना पढ़े इसमें कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। ये नेहरू जी की गलती नहीं है मेरे मित्र, ये जवाहरलाल नेहरू जी की प्रथम प्रधानमंत्री की गलती नहीं है। कोई स्कूल में ना जाए तो आपने किया, कांग्रेस ने हर सुविधा आईआईटी क्या क्या कुछ नहीं किया, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नाम से 10 स्कॉलरशिप चल रही है एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी में, आप कैसी बात कर रहे हो? यहां तक कि मैडम अनामिका जी ने, ठीक है बोलिए बोलिए, हाँ सर बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आज ये हालत कर गए ये लोग
कि जिन कॉलेजों पर कॉलेज चलाने की भी उनके पास साधन नहीं थे उन्हें ये डीम यूनिवर्सिटी बना गए। हाँ। और बाद में ये हुआ कि हमारे यहाँ फरीदाबाद में गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज बंद करना पड़ा क्योंकि वो सारे नॉर्म पूरा नहीं करता था, परंतु ये लोग पैसे के लालच में उन्हें मान्यता देते। 10-10 सेकंड का टाइम दूंगी निजीकरण अगर किसी ने किया, शिक्षा को अगर रोड पर लाया किसी ने, बाजारों में कोई लेके आया तो कांग्रेस लेके आई। ये किस मुंह से कहते हैं, इन्होंने अपने सरकारों में क्यों कोई अच्छा कदम नहीं उठाया? देखिए मैं इसी विषय पर कहना चाहता हूं जो इन्होंने बोला है। मुख्यमंत्री जी 2 साल पहले कनाड़ में अभिभावकों के डेलीगेशन से मिलते हुए ये बोला कि हम स्कूल की जो फीस की मनमानी है वो कायम रहेगी, बच्चे पढ़ाने हैं तो पढ़ाओ। मैंने इस विषय पे कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अरविंद भारद्वाज ये पूछिए आप इनसे। 10 सेकंड अरविंद जी, ये क्या ये पिछले 1 महीने की घटना है? नहीं, ये पिछले बार की है तो उसके लिए बीजेपी जवाबदेह है। अगली लाइन पता है सर। कुलभूषण जी 10 सेकंड। कह रहे हैं कि ये बड़े स्कूलों की गरजदारी है, तो मैं कह रहा हूँ 1 से 1.5% स्कूल है उसका हर्जाना सभी स्कूलों का, वो भी उनमें वो पेरेंट्स जाते हैं जो वहाँ पर पैसे देना चाहते हैं। तो शिक्षा का राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आंगनबाड़ी में बताइए कौन सा अफसर अपने बच्चों को भेजेगा, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो भेजने राजी नहीं है। सर वहाँ पर अलाउंस मिल रहे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने। ठीक है शालिनी जी, ऐसे जो अगर माफी चाहूंगी कुलभूषण जी, हालांकि बहुत ही व्यापक विषय है, हमें शायद थोड़ी और देर बैठना चाहिए था, लेकिन मुझे लगातार वाइंड अप के लिए कमांड मिल रहा है। देखिए अनामिका जी, कानून जिस तरह से बनाया गया है उसको लागू करना बहुत अच्छी बात है, मेरा ये मानना है। और क्योंकि कानून बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म विजन लेके बनाए जाते हैं, लेकिन उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण, इसका जो फायदा उठाने की कोशिश कर रही है अगर एक पॉलिटिकल पार्टी, जो भी है, वो हर कोई करती है जो पावर में होती, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम होंगे या ये जिस तरीके से, जिसे एक हैम हैंडेड तरीके से, यानी पूरी सोच से नहीं किया गया है, उसका जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपने जब नहीं खड़ा किया है, पैरेलल चल रहा है, तो वो कहां है वो दिखा दीजिए, वो दिखा दीजिए। ठीक है कंक्लूड कर दीजिए सर जल्दी से। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ कदम उठाने चाहिए बेहतरी के लिए, लेकिन जरूरत है कि थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहिए कि योजनाओं के अल्टरनेट भी साथ साथ हों, जिनसे बहुत ज्यादा फर्क या बहुत ज्यादा कमी महसूस ना हो। और मेरे ख्याल से कदम अच्छा है, लेकिन इसके साथ अगर कुछ और प्रावधान दिए होते कदम बेहतर है, बेहतरी के साथ आए तो और मजा आ जाए। चलिए बहुत शुक्रिया आप सबों का। एक सवाल पूछा था हमने प्राइम टाइम डिबेट को शुरू करने से पहले, दिन भर से पूछ रहे सवाल, देखिए क्या निजी स्कूलों पर सरकार के एक्शन के बाद बंद होगा वसूली का खेल? वसूली का खेल बंद हो जाएगा क्या? अभिभावकों ने तो पक्का इसका जवाब दिया होगा, आप अपना जवाब देख लीजिए। 44% लोग कहते हैं कि हाँ वसूली का खेल बंद हो जाएगा सरकार के इस एक्शन प्लान के बाद, लेकिन 56% लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपके जवाब दिखाने के साथ ही प्राइम टाइम डिबेट में हमें यही रुकना होगा। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।